नमस्कार, मकराना बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ दीपिका। मकराना नगर परिषद सभापति समरेन भाटी ने सोमवार को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को वीडियो कॉन्फ्रेंस के दौरान मकराना में साप्ताहिक कोरोना जागरूकता अभियान की शुभारंभ करने की जानकारी दी। इस दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत व जिला प्रभारी मंत्री सुखराम विश्नोई ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोरोना से लड़ने में अग्रिम पंक्ति में अपनी भूमिका निभाने वाले कोरोना योद्धाओं का आभार व्यक्त किया। इस दौरान सभापति समरेन भाटी ने मकराना के विकास के अनेक मुद्दों पर मुख्यमंत्री व जिला प्रभारी मंत्री का ध्यान आकर्षित करते हुए विस्तारित चर्चा की तथा नगर परिषद मकराना में विशेष पैकेज के लिए भी अनुरोध किया। सभापति ने बताया कि बाहरी इलाकों में आने वाले प्रवासी के अलावा स्थानीय लोगों में कोई भी व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव नहीं पाया गया है। इसके लिए मुख्यमंत्री व जिला प्रभारी मंत्री ने सभापति समरेन भाटी और पूर्व विधायक कांग्रेस जिला अध्यक्ष जाकिर हुसैन गेसावत का धन्यवाद ज्ञापित किया। मुख्यमंत्री के वीसी कार्यक्रम में विधायक रूपाराम मुरवातिया एवं उप सभापति अब्दुल सलाम भाटी भी मौजूद थे। जाकिर जी को धन्यवाद हो, आपको जाकिर जी को धन्यवाद हो, आपका आशीर्वाद है। इस समस्या में मिलजुल कर लड़ रहे हैं, बिल्कुल लड़ रहे हैं। आपको एक नया बीजेपी दोनों भाई साहब मिलके संघर्ष कर रहे हैं। नगर परिषद को लेकर बहुत बढ़िया बढ़िया मैम, बहुत बढ़िया। नगर परिषद को लेकर कुछ बात करना चाहूंगी आपसे। नगर परिषद मकराना क्षेत्र में प्रशासन शहरों के संग अभियान चालू करवाए जिसमें राज्य का स्रोत प्राप्त हो सके। मकराना शहर में विकास कार्य हेतु विशेष पैकेज देने की घोषणा करें। सीवरेज के सेकंड पेज का कार्य जल्द से चालू करवाए जो कि पूर्व से स्वीकृत है। कोरोना महामारी में आपका फंड से कलेक्टर साहब से रिलीज करवाए। नगर परिषद क्षेत्र में बरसाती पानी की निकासी की समस्या समाधान हेतु आपदा फंड से 5 पंप शेड दिलवाने की कृपया करें। चेयरमैन साहब, ये कोरोना में बता दो फसल शहरों के संग अभियान की सीएम साहब ने बात की थी वो चलता, परंतु कोरोना की वजह से ये अभियान पूरा स्थित हुआ। आगे कोरोना जैसे बताओ पूरे अभियान चलाएंगे। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी अनुसूचित जाति विभाग के सचिव एवं राजस्थान प्रदेश किसान एवं खेतिहार मजदूर कांग्रेस कमेटी के संयुक्त सचिव मासूराम मासूचर पूसाराम मेघवाल ने सोमवार को नव निर्वाचित राज्यसभा सदस्य नीरज टांगी का उनके निवास स्थान जयपुर में साफा व माल्यार्पण कर बधाई देते हुए शुभकामनाएं दी एवं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का आभार जताया। नव निर्वाचित राज्यसभा सदस्य नीरज डांगी पूर्व मंत्री स्वर्गीय दिनेश राय डांगी के सुपुत्र हैं। वरिष्ठ मंत्री इसके साथ ही कांग्रेसी मास्टर पुरसाराम मेघवाल पूर्व मंत्री स्वर्गीय दिनेश राय डांगी के सानिध्य में पार्टी का कार्य किया है। मेघवाल ने बताया कि पूर्व मंत्री स्वर्गीय दिनेश राय डांगी जब मंत्री थे, श्रम मंत्री थे, तब उन्होंने श्रमिकों के हितों में काफी बहुत अच्छा काम किया था और सराहनीय कार्य किए थे, उन्हें आज भी लोग याद करते हैं। नीरज डांगी को राज्यसभा सदस्य बनाने पर प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का आभार जताते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी और संगठन मजबूत होगा, प्रदेश की सरकार जन कल्याणकारी कार्य कर रही है। मेघवाल ने इस मौके पर डांगी से पारिवारिक सामाजिक एवं राजनीतिक चर्चा की। विशेष रूप से काम करते हैं और अपनी जो इम्यूनिटी रोगों से लड़ने की जो क्षमता है वो बरकरार रहेगी और अपन बीमार नहीं होंगे। अपन बीमार नहीं होंगे तभी तो अपन दूसरों को सही सलाह दे सकेंगे, अपना काम सही ढंग से कर सकेंगे। तो मेरे यहाँ आने का उद्देश्य यही है कि ये सब टेबलेट आप लें और इसको अपने जेब में रखें और इसको प्रतिदिन लेते रहें। ये आपके पास खत्म हो जाएगी तो हम और सप्लाई करवा देंगे और इस दौर में आपको कई दिन लगातार लेनी है जिससे अपन कोरोना के खिलाफ जो लड़ाई है उसमें अच्छे तरह से अपन भूमिका अपनी निभा सकें।
बोरावड़ ग्राम पंचायत सरपंच बोरावड़ के सरपंच भवनलाल मेघवाल, समाज सेवी और वार्ड मेंबर गजेंद्र सिंह बोथरा ने के नेतृत्व में ग्रामीणों ने सोमवार को अजमेर में विद्युत वितरण निगम के प्रबंधक निदेशक एवं संभागीय मुख्य अभियंता विद्युत वितरण निगम अजमेर से मुलाकात कर दो अलग अलग ज्ञापन सौंपे। ज्ञापन में बोरावड़ की बिजली व्यवस्था आपूर्ति सुधारू करवाने के लिए FRT टीम एवं 3 अन्य सहायक तकनीकी कर्मचारियों की नियुक्ति करने की मांग की है। ज्ञापन में बताया है कि कमकराना उपखंड के ग्रामीण कस्बा बोरावड़ की आबादी 50,000 से अधिक है एवं राजस्थान की सबसे बड़ी ग्राम पंचायत है। इस क्षेत्र में बड़ी मार्बल औद्योगिक इकाइयां लगी है, लघु मार्बल उद्योग भी संचालित है। वर्तमान में बिजली व्यवस्था सुचारू रखने के लिए विद्युत निगम के मात्र 2 कर्मचारी कार्यरत हैं, जो इतनी बड़ी जनसंख्या और क्षेत्रफल की दृष्टि से पर्याप्त नहीं। कस्बे की बिजली व्यवस्था सुधार करने के लिए मकराना शहर की तर्ज पर 3 तकनीकी कर्मचारी एवं वार्ड निकालने के लिए FRT टीम की स्वीकृति प्रदान करने की मांग की। गजेंद्र सिंह बोथरा ने मकराना विद्युत निगम के अधिकारियों के कार्य की सराहना करते हुए अवगत करवाया है कि अल्प स्टाफ के बावजूद कर्मचारी दिन रात विद्युत सप्लाई दुरुस्त करने में जुटे हुए हैं। बोरावड़ कस्बे के विद्युत आपूर्ति सुधारों के लिए हरिजन बस्ती, चैन कॉलोनी, गुजरियाबास, आईडिया पब्लिक स्कूल, पनिहारी सर्किल, गणेश डूंगरी, रेगर मोहल्ला, बालाजी मंदिर ट्रांसफार्मर को पूर्ण रूप से दुरुस्त किया गया है और जहां आवश्यकता पड़ी विद्युत लोड अधिक किया उन स्थानों पर अधिक क्षमता वाले ट्रांसफार्मर लगाए गए हैं। विद्युत निगम के संभागीय मुख्य अभियंता एवं प्रबंधक निदेशक विद्युत निगम ने समस्या का तत्काल निवारण करने का आश्वासन ग्रामीणों को दिया। नेतृत्व में हम अजमेर में मुख्य सचिव चीफ इंजीनियर श्रीमान ML मीणा साहब से मिले तथा बोरावड़ की जो मूलभूत जो ज्वलंत समस्या थी उनके बारे में उनको अवगत कराया। उन्होंने जल्दी से जल्दी इनका समाधान करने के लिए हमें आश्वासन दिया है। हमें पूर्ण विश्वास है कि माननीय चीफ इंजीनियर साहब जो कि बोरावड़ में जैन रहे, मकराना में एन रहे, एक्शन रहे और ऐसी बने नागौर के, तो वो इस बोरावड़ की समस्या से वो अवगत है, उन्हें पता है ये बोरावड़ की समस्या, उसका ये निदान करेंगे। एक तो FRT टीम लगाना यहाँ पे जो फॉल्ट निकालेगी, दूसरा यहाँ कर्मचारी कम है, तकनीकी कर्मचारी बिल्कुल दो रोड पे हैं, 2 बोरावड़ सिटी के हैं, तो उनकी जगह 3 और लगाने के लिए निवेदन किया है। तीसरी बात यह है कि जो बोरावड़ में बहुप्रतीक्षीय जो GSS बन रहा है राम सागर में कुमारिया नाडा में, तो उसके लिए निवेदन करके आए हैं, तो वो जो ही बजट आएगा तो ही उसकी स्वीकृति मिल जाएगी और बोरावड़ को बहुत संकट मोचक तिवारी बालाजी धाम झीलिया में पंडित मांगेलाल शर्मा की 11वीं पुण्यतिथि पर उनके सुपुत्र पंडित प्रहलाद शर्मा व पुत्र अभिषेक शर्मा, योगेश शर्मा द्वारा 2 कूलर और 10 कुर्सियां भेंट की गई है। तिवारी बालाजी मेला समिति अध्यक्ष राहुल जैन ने बताया है कि इस भीषण गर्मी में इनका ये योगदान और सहयोग बहुत ही सराहनीय है और साथ ही साथ इन्होंने दिसंबर 2019 में भी बालाजी के एक पानी की टंकी और फिटिंग का भी सहयोग दिया था। COVID-19 के चलते हुए लॉकडाउन में बंद हुई रोडवेज बसों का सोमवार से फिर से संचालन हुआ था, जिसमें कुचामन बस स्टैंड पर लॉयंस क्लब कुचामन फोर्ट के सदस्यों ने यात्रियों की सुरक्षा के लिए उनके हाथों को सैनिटाइज करने और तापमान जांचने एवं मास्क वितरित करने की मुहिम डिडवाना आगरा के अनुशंसा पर लगाई थी। अध्यक्ष क्लब लॉयंस काबरा राम काबरा, बुकिंग प्रभारी चारण लॉयन मुस्लिम अरोहर स्नेह लॉयंस, जितेंद्र राजपुरोहित लॉयंस, प्रमानंद अग्रवाल, प्रकाश चंद्र टेलर, परिचालक बजरंग सोनी ने बस के यात्रियों के हाथों को सैनिटाइज करवाए, तापमान जांचा एवं जिनके पास मास्क नहीं थे उन्हें मास्क वितरित किए। लॉयंस क्लब कुचामन फोर्ट की इस मुहिम का डिडवाना आगर के यातायात प्रबंधक सुजल महर्षि ने सराहना करते हुए कहा कि 30 जून तक सतत चलने वाली यह मुहिम यात्रियों की सुरक्षा के लिए कारगर साबित होगी। उन्होंने बताया कि क्लब ने 2 थर्मल स्क्रीनिंग मशीन भी भेज की है। मगर साफ तो गंद मगर दूसर हो गया बस। आज से जो नई गाड़ियों का राजस्थान रोडवेज में विस्तार हुआ है, जो नए रूट पे नई गाड़ियां चली है उनके पैसेंजर आ रहे हैं, उनके लिए आप क्या कर रहे हैं?
कुचामन में जितने भी भामाशाह हैं यहाँ लोइंस क्लब कुचामन फोर्ट लोइंस क्लब कुचामन सिटी और जो भामाशाह ने जो यहाँ व्यवस्था की है इसमें लोइंस क्लब की काफ़ी अच्छी भूमिका रही है कुचामन फोर्ट की। उन्होंने आज यहाँ पे जो भी यात्रा कर रहे हैं पैसेंजर उनके हैंड वॉश करवाना करना मास्क ठीक किए हैं। प्रत्येक यात्री यहाँ थर्मल स्कैनिंग के बाद ही यात्रा कर रहे हैं। कल की जैसा कि आपको पता है लोइंस क्लब कुचामन फोर्ट के द्वारा दो स्कैनिंग मशीनें भी यहाँ डीपन आगार को उपलब्ध करवाई गई जिससे उनका टेम्परेचर चेक करके ही उनको यात्रा करना है सुनिश्चित किया गया। लॉयंस क्लब कुचामन फोर्ट के बारे में जो ये बता रहे हैं, अभी लॉयंस क्लब कुचामन फोर्ट है उसको नया क्या कार्यभार कर रही है? अभी सबसे पहले तो हम अभिवादन करते हैं हिलोणा आगार के प्रबंधक पूजा जी महर्षि का, जिन्होंने हमारे ऊपर विश्वास पत्र की हमें जिम्मेदारी दी 7 दिनों के लिए। यहाँ पे जो भी बसें आएगी उसमें जो भी यात्री आएंगे या यहाँ से जाएंगे उनके हैंड सैनिटाइज, तो जिसके पास मास्क लिए उनको मास्क देने का ये कार्य हम कर रहे हैं 7 दिन का। तो यह कार्य हमको देने के लिए हमारे ऊपर विश्वास व्यक्त करने के लिए हम सुजल जी का बहुत आभार कर रहे हैं। अभी ये कोरोना संकट चल रहा है, कोरोना संकट के लोग की वजह से लॉकडाउन हो रहा है उसकी वजह से बसें बंद थी और आज ये यहाँ से बसों का संचालन हुआ जिसमें ये कुचामन में जहाँ भी यात्री आए उनके लिए कुचामन फोर में बसों में जब भी यात्री हैंड सैनिटाइज कराए उनको मास्क भी दिया। स्वयं जैसे 2 दिन पहले सुजल जी का फोन है हमारे पास में कि यहाँ पे जो बसों के संचालन के लिए ये थर्मल स्कैनिंग जो मशीन आती है जो धन बोलते हैं उसकी आवश्यकता है, तो हमने ये इनको उपलब्ध कराई और हम विश्वास दिलाते हैं रोडवेज प्रशासन को भविष्य में इनकी जो भी आवश्यकता होती है उसकी पूर्ति करने का पूरा प्रयास करेंगे। कोर्ट की टीम के द्वारा उसको पूरा प्रयास करेंगे उसको उपलब्ध कराने का। कोविड-19 के प्रति जन जागरण अभियान में आयुर्वेद विभाग की ओर से आज उपखंड कार्यालय खींवसर एवं तहसील कार्यालय खींवसर में अमृत धारा वाटी का वितरण किया गया। इस अवसर पर खींवसर उपखंड अधिकारी अमित कुमार चौधरी ने भी जनता को कोरोना के प्रति जागरूक करके व सरकारी गाइडलाइन फॉलो करने की बातें कही। डॉक्टर धीरेन्द्र कुमार ने अमृत धारा वाटी के उपयोग के बारे में बताते हुए कहा कि यह गोली रोगों से लड़ने की क्षमता को बढ़ाती है। दूसरा महत्वपूर्ण काम इसको मौसमी बीमारियां लू आतप घात पेट दर्द उल्टी दस्त के गले में खराश इन तकलीफों में भी इसका अच्छा प्रभाव होता है। डॉक्टर शर्मा ने बताया कि नियमित रोग से योग करना चाहिए, इससे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है। कितने लगे हुए हैं बल्ब और अभी जो टेम्परेचर 40 के ऊपर टेम्परेचर चल रहा है और ऐसी स्थिति में अपनी जो इम्यूनिटी है भाई इम्यूनिटी कैसे प्रभावित होती है? आप गर्मी में परेशान हो, टाइम पे पानी नहीं पियो, ऐसे में आपको कई तरह की प्रॉब्लम हो सकती है। उल्टी दस्ते पेट में कोई गड़बड़ है, गले में कोई खराश है, तो यह टेबलेट दो दो गोलियां कम दिन में 3-4 टाइम ले सकते हैं और ये इन रोगों में विशेष रूप से काम करते हैं और अपनी जो इम्यूनिटी रोगों से लड़ने की जो क्षमता है वो बरकरार रहेगी और अपन बीमार नहीं होंगे। अपन बीमार नहीं होंगे तभी तो अपन दूसरों को सही सलाह दे सकेंगे, अपना काम सही ढंग से कर सकेंगे। तो मेरे यहाँ आने का उद्देश्य यही है कि ये सब टेबलेट आप लें और इसको अपने जेब में रखें और इसको प्रतिदिन लेते रहें। ये आपके पास सदन में जाएगी हम और सप्लाई करवा देंगे और इस दौर में आपको कई दिन लगातार लेनी है जिससे अपन कोरोना के खिलाफ जो लड़ाई है उसमें अच्छे तरह से अपन भूमिका अपने निभा सके। धन्यवाद। लायंस क्लब कुचामन फोर्ट के विभिन्न सेवा कार्य लॉकडाउन की शुरुआत से निरंतर जारी है। इसी क्रम में 22 जून को अध्यक्ष लायंस राम काबरा, कोषाध्यक्ष लायंस पवन सामरवाला, संरक्षक लायंस पवन जैन, लायंस मुरलीधर गोयल, लायंस प्रमोद खंडेलवाल ने लायंस अनिल सिंह मेड़तिया के सौजन्य से गांव अकोदा के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के व्याख्याता प्रकाश चंद्र टेलर को बोर्ड परीक्षा के परीक्षार्थियों एवं शिक्षकों को सुरक्षा के लिए मास्क एवं हैंड सैनिटाइजर भेंट किए। प्रकाश चंद्र टेलर ने बताया कि सरकार की गाइडलाइन के अनुसार परीक्षार्थियों की सुरक्षा के लिए मास्क
मास्क एवं सैनिटाइजर की आवश्यकता थी, जिसकी व्यवस्था करने वालों को लॉयंस क्लब कुचामन फौज को कहा गया, जिसे उन्होंने तुरंत स्वीकार कर व्यवस्था की। इसके लिए क्लब एवं भामाशाह अनिल सिंह नृत्य का साधुवाद। लॉयंस क्लब काबरा ने बताया है कि क्लब द्वारा मास्क वितरण अभियान शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में लॉयंस अनिल सिंह नृत्य के सौजन्य से पिछले 17 मार्च से निरंतर जारी है। जहाँ और भी आवश्यकता होती है, वहाँ कपड़े से बने मास्क वितरित किए जा रहे हैं, जिसको आप आसानी से धोकर फिर से काम में ले सकते हैं। लाडिया कस्बे के निकटवर्ती ग्राम भद्रालय के सरपंच को राष्ट्रीय भ्रष्टाचार निरोधक का प्रदेश अध्यक्ष बनाने पर ग्रामीणों ने आभार जताया। जानकारी के अनुसार बदलिया सरपंच भीवाराम नायक को राष्ट्रीय भ्रष्टाचार निरोधक टाइगर राजस्थान का द्वारा प्रदेश अध्यक्ष राजस्थान व प्रभारी गुजरात का बनाने पर ग्रामीणों ने सरपंच का आभार व्यक्त किया है। इस मौके पर वकील अमराराम, उप सरपंच व जगदीश, पवन खालिया, रामेश्वर मंडा, हुक्माराम बेनीवाल, खेमाराम साहू सहित ने सरपंच का स्वागत कर शुभकामनाएं दी एवं संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष का आभार जताया है। मकराना शहर के माताभा रोड स्थित सम्राट पृथ्वीराज चौहान पब्लिक स्कूल में बच्चों के ऑनलाइन क्लासेस के साथ साथ ऑनलाइन प्रतियोगिताएं भी आयोजित होती जा रही हैं। रविवार को विद्यार्थी के लिए इंग्लिश पोएम चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता संयोजक माया वर्मा ने बताया है कि अंग्रेजी माध्यम के बच्चों ने अपनी पोएम व पेंटिंग की एक कला का प्रदर्शन किया है। विधायक समन्वयक विक्रांत राजपुरोहित ने जानकारी दी कि बच्चों ने कोरोना की थीम पर सुंदर तस्वीरें बनाई। प्रधानाचार्य कृष्णा दादिश ने बताया कि बच्चों ने पेंटिंग्स के जरिए कोरोना से बचने के उपाय बताए, जैसे घर पर ही रहें, बार बार साबुन से हाथ धोएं, मुंह पर मास्क लगाएं और इसके साथ ही घर से बाहर ना निकले, सभी कम से कम 6 फीट की दूरी बनाए रखें। इंग्लिश पोएम कंपटीशन के जूनियर वर्ग में नव्यांश प्रथम व गौरवांश और दिव्यांश द्वितीय रहे, वहीं सीनियर वर्ग में तीर्थ प्रथम व प्रणिका द्वितीय रही। इस तरह ड्रॉइंग कॉम्पिटिशन में जूनियर वर्ग में उत्तम कंवर प्रथम व मोहम्मद हुसैन द्वितीय तथा सीनियर वर्ग में कुमकुम चौहान प्रथम व वसुंधरा और सूरज प्रजापत संयुक्त रूप से द्वितीय रहे। Today I am going to recite a poem on Corona. We may be young or old, but we must be bold against the enemy untold. We can't go to malls, nor can we go to waterfalls, because this virus is a scary, sending our spines into shivering. If you have to go out, think twice. Wear your mask to the eyes. After coming, sanitize and wash your hands thrice. COVID-19 is the name. It is playing hide and seek game. By following the rules, we can ensure and gain. Thank you. It is the how I wonder what you are above surface you are. Title diamond in the sky. Good evening, sir and ma'am, and my dear friends. My name is Pranika Sharma, and I study in class 5th. Let's start poem. When we spend your happy day doing things like work or play, is there something you should do before you are on your way? Afraid, stop and think. There are germs that you can't see. Wash your hands, let the bubbles there dance, scrub a tub. Now you are in the Clean Hands Club. When you spend your happy day doing things like work or play. I am Tirth, I study in class 4th. My poem is Traffic Light. Red light, what do you say? Red light, what do you say? I say stop, stop, I say stop, stop. Yellow light, what do you say? Yellow light, what do you say?
I say, wait, wait. I say, wait, wait. Green light, green light. What do you say? Green light, green light. What do you say? I say, go, go. I say. भारत विकास परिषद के सानिध्य में बोरावड़ रोड स्थित बालाजी मंदिर परिसर में कार्यक्रम आयोजित कर भारत के वीर सैनिकों को 2 मिनट का मौन धारण कर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। संसद सदस्यों ने भारत माता के जयकारे के साथ चीनी सम्मान की होली जलाई और चीनी सम्मान का बहिष्कार करने का संकल्प लिया। संस्था के अध्यक्ष बाल मुकुंद मुंदड़ा की अध्यक्षता में मुख्य वक्ता डॉक्टर नेमीचंद गौड़ ने चीन के बॉर्डर के बारे में सैनिक के साहस और वीरता के बारे में चित्रण किया। वक्ता श्याम सुंदर स्वामी ने चाइना चीज का सामान का बहिष्कार करने को कहा। इस मौके पर मिथिलेश मारू, एडवोकेट कैलाश चंद काबरा, पंडित कैलाश शर्मा, पूर्व पार्षद विक्रम सिंह, बजरंगलाल जाटलिया, राजेंद्र व्यास, पूर्व पार्षद घनश्याम सोनी, महेश कुमार काबरा, सूरज कुमार जैन व समाज सेवी गंगाराम मेघवाल आदि उपस्थित थे। युवा हिंदू गोरक्षा सेवा समिति मकराना के तत्वाधान में पीड़ित सेवा केंद्र में समिति के स्थापना दिवस पर कार्यक्रम के आयोजित होने पर बाबत में रखी गई। इसके साथ ही समिति के संस्थापक पूर्णमल सुरेश कुमावत ने बताया कि समिति के समस्त सदस्यों की सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है कि पीड़ित गोवंश सेवा केंद्र का 5वां स्थापना दिवस 28 जून को आयोजित करवाया जाए। इसके साथ ही जिसमें वर्तमान समय में महामारी के कारण कार्यक्रम को संक्षिप्त स्तर पर किया जाए। 28 जून को सुबह 10:15 पर सेवा केंद्र में आचार्य पंडित ने इसको कहा और इसके साथ ही पिछले 5 वर्षों से निरंतर सेवा भारत में श्रमदान एवं आर्थिक सहयोग देने वाले गो भक्तों एवं भामाशाहों को आभार पत्र से सम्मानित किया जाएगा। समिति का प्रयास यही है कि आगामी वर्षों में भामाशाहों के सहयोग से समिति में एक और आधुनिक एम्बुलेंस और विशेष चिकित्सक उपकरण के साथ पीड़ित गोवंश के लिए एक नया वार्ड, पक्षियों के लिए आधुनिक विंजरा निर्माण जिसमें सेवा केंद्र में सेवाओं का विस्तार किया जा सके। इस बैठक में उपस्थित संरक्षण डाकुर मोहन सिंह चौहान, संस्थापक सुरेश कुमावत, अंकित तंवर सहित कार्यकर्ता उपस्थित थे। मेड़ता सिटी के लावारिस लाशों के वारिस नाम से जाने वाले नगर पालिका अध्यक्ष अनिल थानवी ने आल मुस्लिम चैरिटेबल सोसाइटी में मेड़ता के से आज मिलकर एक लावारिस शव को सुपुर्द करवा कर कहा कि इसके बाद शव का मुस्लिम रीति रिवाज से दफनाया गया। जनाजे की नमाज मौलाना इमरान ने नूरी साहब ने अदा की। अनिल थानवी ने जानकारी देते हुए बताया कि कुचेर थाने में एक लावारिस शव मिला। शव की शिनाख्त नहीं होने से आज कुचेर में पुलिस ने शव से थानवी को सुपुर्द किया। इसके बाद शव सुपुर्द कर रसम अदा की गई। इस अवसर पर पूर्व नगर पालिका चेयरमैन अनिल थानवी, सोसाइटी संयोजक शौकत अली भाटी, कोषाध्यक्ष इंसाफ अली भाटी, उपाध्यक्ष फरीद अजमेरी, सह सचिव हाजी रजाक रंगरेज, एडवोकेट इरफान अली हालिम, जाकिर अंसारी, मोहम्मद हुसैन शेरानी, इस्लामुद्दीन घोसी आदि थे। मौलासर निकटवर्ती ग्राम बसा में लंबे समय से पेयजल की व्यवस्था चरमरा गई है। मात्र एक ट्यूबवेल से भरोसे पूरे गांव के सप्लाई व गांव में बने जीएलआर के बार बार विभाग, सरपंच, विधायक को अवगत करवाने के बावजूद पेयजल का समाधान नहीं हुआ। आम आदमी कोरोना संकट में मजबूर होते हुए भी पीने के पानी का टैंकर मंगवा रहा है, जो गरीब परिवार की कमर टूट रही है। महीने के 2 दिन टैंकर पानी मंगवा कर पीना पड़ता है। पानी के लिए लोग इधर उधर भटक रहे हैं। अवर पशुओं के पीने का पानी नहीं है। ट्यूबवेल की मांग को देखते हुए हिमालय के पानी का सपना, जब भी पेयजल ट्यूबले की मांग की गई तो ग्रामीणों को आश्वासन मिला कि अब आपके घर घर मीठा पानी आएगा। कुछ दिनों की बात है, ये सपना कब पूरा होगा? ब्राह्मणों का मेघवाल मोहल्ला राजपूतों का बास में पानी नहीं पहुंचा, जबकि इन तीनों निचले इलाकों में पानी नहीं आ रहा है। जबकि सरकार का पहला पेयजल से होता है, इंसान से लेकर जानवर तक पानी की जरूरत होती है। नागौर जिले के जायल क्षेत्र में शराब माफियाओं के वर्चस्व की लड़ाई एक बार फिर गैंगवार की घटना सामने आई है। 2 गुटों के बीच लंबे समय से चल रही रंजिश में एक गुट के युवक की पूर्व में हत्या हो चुकी है। अब हत्या के आरोपी पक्ष में जमानत पर छूटे युवक राजू नेतड़ पर सोमवार को फायरिंग हुई, जिससे राजू के पेट पर गोली लगी है। मामले में ये सामने आया है कि राजू ने उसके साथ ही जायल के ढेर गांव में लौट रहे थे। इसी दौरान राजू की बलेरो कैंपर को आरोपियों ने वाहन से टक्कर मारी और उसके बाद का फायरिंग कर दी। फायरिंग में राजू के पेट में गोली लगने से वह गंभीर रूप से घायल हो गया। आरोपियों के फरार होने के बाद राजू को नागौर के जेएलएन अस्पताल में भर्ती किया गया। गौरतलब है कि राजू हिस्ट्री शीटर विक्की नेतड़ का भाई है तथा बलराम हत्याकांड के आरोप में जेल में था, जो हाल ही में जमानत पर छूट रहा था। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार सोमवार दोपहर को राजू नेतड़ अपने साथियों के साथ डेहरी गांव में अपने रिश्तेदार में किसी की मौत पर बैठने गया था। इसके बाद राजू डेहरी ने वापस आते समय गांव लौट रहा था। इससे पहले जब डेहरी सड़क पर घात लगाकर बैठे
अज्ञात हमलावरों ने राजू नेतर पर फायरिंग शुरू कर दी। राजू ने हमले को भागते हुए गाड़ी को वापस घुमाकर डेयरी की तरफ दौड़ाया, लेकिन हमलावरों ने भी पीछा करना शुरू किया। करीब 2 किलोमीटर तक हमलावरों ने पीछा कर कई राउंड फायर किए तथा राजू की गाड़ी को टक्कर मारते हुए डेयरी तक आ पहुंचे। राजू अपनी गाड़ी को डेयरी गांव में ले गया और तो हमलावर भी मौके पर भाग छूटे। इस दौरान एक गोली राजू के पेट में लग गई, वहीं गाड़ी पर गोली के 4 निशान नजर आए। आरोपियों के फरार होने के बाद राजू को नागौर के जेएलएन अस्पताल लाया गया। गौरतलब है कि राजू हिस्ट्री शीटर विक्की नेतड़ का भाई है तथा बलराम हत्याकांड के आरोप में जेल में भी था, जो हाल ही में जमानत पर छूटा था। ग्रामीणों की सूचना पर जायल थाना व बड़ी खाचू पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की है। घायल राजू को प्राथमिक उपचार के बाद उसे जोधपुर रेफर कर दिया है। पुलिस ने राजू की गाड़ी को कब्जे में ले लिया है और पुलिस डेयरी गांव के भैरव मंदिर में लगी कैमरों के फोटोज को खंगालने के साथ ही अन्य जानकारी जुटाने में जुट रही है। गच्छीपुरा निकटवर्ती ग्राम पंचायत भोयकला के राजस्व ग्राम भैया खुर्द में नरेगा कार्य पर घर जा रही एक महिला श्रमिकों को अज्ञात बाइक चालक ने टक्कर मार दी, जिससे महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। साथ ही महिला श्रमिकों ने बताया कि नाड़ी से काम करने पर सड़क पर चलते समय पीछे से 2 युवक बाइक लेकर आए और छोटूड़ी पत्नी मिसू राम नायक के जोरदार टक्कर मार दी और महिला श्रमिकों ने बाइक सवार युवकों को पकड़ने की कोशिश भी की, मगर असफल रही। श्रमिकों की सूचना पर मैच व ग्राम विकास अधिकारी नरेगा सोलंकी ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर प्राथमिक इलाज करवाया, जहां से डॉक्टर अशोक शर्मा ने इलाज करके डेगाना रेफर किया। मकराने में सोमवार शाम को नगर परिषद के पार्षदों की एक सामूहिक बैठक हुई थी, जिसमें मौजूदा पार्षदों ने सर्वसम्मति से एक पार्षद का संगठन बनाने पर सहमति जाहिर की, जिसका नाम मकराना पार्षद संगठन रखा गया। आपसी विचार विमर्श के बाद सर्वसम्मति से पार्षद संगठन का नियुक्त किया गया। इस्लामुद्दीन उर्फ बबलू राठौड़, संरक्षक मोहम्मद आदिल चौहान, अध्यक्ष विनोद सोलंकी, उपाध्यक्ष मोहम्मद खालिक, सचिव हुसैन, सह सचिव मोहम्मद इकबाल कोषाध्यक्ष चुने गए। उपस्थित सदस्यों ने निर्वाचित पदाधिकारियों का स्वागत कर शुभकामनाएं दी। काम की तलाश और पैसे कमाने के लिए भारतीय कामगार अधिकांश विदेश जाते हैं। बेहतर सुख सुविधाएं जुटाने और परिवार पालने की मजबूरी के कारण ये लोग सात समंदर पार जाते हैं, लेकिन कई बार पैसे कमाने की ये लालसा इन कामगारों को मुसीबत में डाल देती है। ऐसा ही एक मामला खाड़ी देश कतर से सामने आया है, जहाँ 300 से ज्यादा भारतीय और नेपाली नागरिक फंसे हुए हैं। इन मजदूरों को कंपनी ने कैंप में ही बंद कर दिया है। कंपनी के मालिक ने न तो मजदूरों को पिछले 3 महीने से सैलरी दी है और न ही इन मजदूरों को खाना पीना ढंग से दिया जा रहा है, जिसकी वजह से 300 से ज्यादा मजदूर परेशान हैं। सीडीसी कंपनी के 3 कैंप में से कैंप के लोगों को पूरा पैसा और फैसिलिटी दी जा रही है, जबकि भारतीय कैंप में उसे 800 से ज्यादा कर्मचारी कार्यरत हैं, उसमें से 500 कामगार को तो सैलरी और खाना सही से मिल रहा है, लेकिन बाकी के 300 को कंपनी का यह व्यवहार है कि 25% सैलरी दी जा रही है। जानकारी में यह भी आया है कि इन लोगों को न तो कोर्ट में जाने दिया जा रहा और न ही पुलिस के पास, और ये कैंप के बाहर नहीं निकलने की वजह से ये लोग एम्बेसी में अपनी बात नहीं पहुंचा पा रहे। कतर के दोहा में फंसे इन भारतीय स्थानीय नागरिकों को सांसदों के साथ साथ विदेश मंत्री से भी सराहना की गुहार लगाई है। मनोज कुमार प्रजापत बेमोच ने बताया है कि डिडवाना से 2 युवक, राजस्थान से 85 युवक सहित 300 युवक फंसे हुए हैं। आगे बताए गए कैंप में हमें खाने भी पूरी गुणवत्ता का नहीं मिल रहा, बाहर कोर्ट व पुलिस के पास भी नहीं जाने दिया जा रहा है। इस मनोज कुमार प्रजापत बेमोट डिडवाना जिला नागौर, मोहम्मद मोहसिन डिडवाना, कालूराम जाट हुडास तहसील लाडनू, मांगीलाल रेगर मारोट तहसील दावा, बलबीर सिंह की लसर तहसील डेगाना सहित जिले के 9 व प्रदेश के 85 युवक फंसे हुए हैं। बेमोट निवासी मनोज प्रजापत के छोटे भाई सीताराम प्रजापत ने बताया कि मेरा भाई सहित कई भारतीय पिछले महीनों से वहां फंसे हुए हैं और समस्या में हैं। उनको खाना अच्छा नहीं दिया जा रहा तथा 9 जून को टर्मिनेट भी कर दिया गया, फिर भी कंपनी घर नहीं भेज रही, उनको अंदर ही कैद कर रखा है। इस बारे में लाडनो विधायक मुकेश भाकर, नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल, डिडवाना विधायक चेतन डूडी से बात कर लेकिन कोई जवाब नहीं मिला तथा इंडियन एम्बेसी तथा विदेश मंत्री को भी पत्र डाला गया है, फिर अभी तक भारत लाने में किसी प्रकार से कोई सहायता नहीं हुई है। मकराना में पुलिस अकलियत जमायत मकराना ने सोमवार की देर शाम कोरोना योद्धाओं के रूप में कार्य करने वाले प्रशासनिक अधिकारी, चिकित्सक, पुलिस, पत्रकार, पार्षदगण सहित महामारी के दौरान अपनी जान की परवाह किए बिना निस्वार्थ भाव से सेवा करने वाले योद्धाओं का समारोह किया। इसके साथ ही समारोह में सम्मान भी किया गया। यह समारोह होम सिग्नल स्थित जमायत खाने में जमायत के सदर हाजी अब्दुल सत्तार निमड़ी की अध्यक्षता में हुआ, जबकि विशिष्ट अतिथि के रूप में कांग्रेस जिला अध्यक्ष जाकिर हुसैन गेसावत व नगर परिषद के सभापति समीन भाटी मौजूद
मौजूद थी। इस मौके पर पुलिस उपाध्यक्ष सुरेश कुमार सांवरिया, थानाधिकारी जितेंद्र सिंह चारण, तहसीलदार दिनेश कुमार शर्मा, नगर परिषद आयुक्त संतलाल मक्कड़, विकास अधिकारी श्यामराम डूडी, खान विकास समिति अध्यक्ष दीपक बंसल, नगर परिषद सभापति समरीन भाटी, उपसभापति अब्दुल सलाम भाटी, अंजुमन अध्यक्ष हाजी नवाब अली रांदड़, संगमर व्यापार मंडल अध्यक्ष रहीम सिसोदिया, सीनियर चिकित्सक फहमीद रांदड़ सहित अन्य का माला साफा पहनाकर और शॉल भेंट करते हुए प्रशंसा पत्र देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिला अध्यक्ष गेसावत ने प्रशासनिक अधिकारियों व पुलिस की प्रशंसा करते हुए कहा कि इन अधिकारियों की व्यवस्था व योगदान के कारण कानून व्यवस्था सुचारू रही। सभापति समरीन भाटी ने कहा कि शहर में प्रवासियों के आने से पॉजिटिव केस बढ़े थे और शहर का भी कोई भी पॉजिटिव केस नहीं है। सभापति भाटी ने कहा कि कोरोना से बचने के उपाय बताते हुए कहा कि लॉकडाउन में दी जाने वाली छूटों में सावधानियां जरूरी है क्योंकि कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ। इस मौके पर जमायत के सचिव इमामुद्दीन बल्खी, कोषाध्यक्ष फखरुद्दीन तेली, उपाध्यक्ष हाजी इमामुद्दीन अब्बासी, महासचिव मोहम्मद शरीफ कुरैशी, संरक्षक हाजी अकबर अली, एडवोकेट हाजी अब्दुल गफ्फार खिलजी, मोहम्मद शफी बागवान, जमायत सदस्य एडवोकेट मुजफ्फर हुसैन, हाजी मोहम्मद शाह, मुबारक अली बंदूकिया, शकीर अहमद आदि लोग उपस्थित रहे। मानते होता है इसको सब लोग माने। आप लोगों ने बहुत अच्छे से लॉकडाउन की पालना करी जिससे हम सभी का बचाव हुआ। अब आगे भी आपसे यही प्रार्थना है कि ये याद रखें कि कोरोना गया नहीं है, कोरोना अभी हमारे बीच में ही है। नवा निकटवर्ती ग्राम बोड़ी में सोमवार को तहसीलदार व राजस्व कर्मचारियों की ओर से पुलिस की मौजूदगी में अतिक्रमण पर प्रभावी कार्रवाई की गई तथा सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त करवाया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्राम बोड़ी घाटी में धीरा तालाब तक लोगों ने सरकारी भूमि पर काफी अतिक्रमण कर रखा था। ग्रामीणों की शिकायत पर तहसीलदार गुरु प्रसाद तंवर सहित अन्य राजस्व कर्मचारियों ने मौजूदा रहकर जेसीबी की सहायता से भूमि को अतिक्रमण मुक्त करवाया। कार्रवाई के दौरान नावा मारोड जिला व कुचामन पुलिस तैनात रही। सरपंच प्रतिनिधि जसाराम किरोड़िया ने बताया कि गांव के कुछ प्रभारी लोगों ने गैर मुमकिन नाला व सरकारी भूमि पर अतिक्रमण कर रखा था जिससे आमजन को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता था। बारिश के दिनों में पहाड़ियों का पानी निकलने से परेशानी का सामना होता था। मकराना पुलिस ने 6 साल से फरार एक वारंटी को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार नेमीचंद पुत्र लक्ष्मण राम बावरी निवासी कालनाड़ा पिछले 6 सालों से फरार था। मकराना थाने के हेड कांस्टेबल बजरंग सिंह व कांस्टेबल शोमाराम के नेमीचंद को दबिश देकर चित्तावा गांव में गिरफ्तार किया गया। उसे शनिवार को कोर्ट में पेश किया गया जहाँ से उसे न्यायिक अभिरक्षा में पर्वतसर जेल भेज दिया गया है। कोरोना महामारी के लॉकडाउन के प्रारंभ से महावीर इंटरनेशनल संस्थान द्वारा विभिन्न सेवा कार्य किए जा रहे हैं जिसके तहत बेसहारा गौमाता के शाकंभरी माता मंदिर के पीछे 79 दिनों से गौमाता को चारा, गुड़, पानी, कुत्तों को बिस्किट, पक्षियों को दाना खिलाकर उनकी सेवा की जा रही है जिसमें आज विशुद्ध विशाखा गंगवाल की शादी 17 जून को कोरोना महामारी के लॉकडाउन की पाबंदियां होने से असामाजिक सरोकार की भावना से जीव दया सेवा के तहत आज पूरे परिवार के साथ शाकंभरी माता जी मंदिर के पीछे खारड़े में आकर संस्था सदस्यों के साथ गौमाता को हरा चारा, गुड़ खिलाकर तथा पानी पिलाया और कुत्तों को बिस्किट व पक्षियों को दाना पानी की व्यवस्था की। आ जाओ रोगला रे। Thank you.
मकराना विधानसभा क्षेत्र में पेयजल व अन्य मूलभूत सुविधाओं के लिए विधायक रूपाराम उरवाते की अभिशंसा से 14 ग्रामों में 44,80,000 रुपए की वित्तीय स्वीकृति जारी कर संबंधित एजेंसी को राशि हस्तांतरित कर दी गई है। विधायक मुरवातिया ने बात करने पर बताया कि मकराना विधानसभा क्षेत्र के प्रत्येक गाँव में पानी व अन्य मूलभूत सुविधाएं दी जा रही है, जिसको देखते हुए विधायक मुरवातिया इस वर्ष का विधायक कोष करीब पानी पर खर्च कर रहे हैं। जिला परिषद नागौर में इन गाँवों के लिए स्वीकृति जारी हुई है। ग्राम सेफड़ बड़ी में कोशाला के पास सिग्नल फेस नकुपल का 3,50,000 रुपए में निर्माण होगा। इसी प्रकार ग्राम खेड़ी लीला में बुगालिया किढ़ाणी में सिग्नल के फेस नलकूप राशि 3.50 लाख रुपए, ग्राम नौसरिया में गोदारा की ढाणी में सिग्नल फेस नलकूप निर्माण राशि 3.5 लाख रुपए, ग्राम कजाना में खिलोड़िया की ढाणी में सिग्नल फेस नलकूप निर्माण राशि 3.5 लाख रुपए, ग्राम डोबड़ी समांदलास में दीपाराम बीसू की ढाणी में सिग्नल फेस नलकूप निर्माण 3.5 लाख रुपए, ग्राम नोलितावास में करनोई नाड़ी में सिग्नल फेस नलकूप निर्माण राशि 3.5 लाख रुपए। साथ ही पेयजल के अतिरिक्त ग्राम कालवा बड़ा में बावरी मोहल्ले में कल्याण भवन निर्माण हेतु 7.5 लाख रुपए, ग्राम जसवंतपुरा में मेघवाल मोहल्ले में समाज कल्याण भवन निर्माण हेतु 3.5 लाख रुपए, ग्राम गोरवा कल्याणपुरा में सामुदायिक भवन के पास WD शौचालय कार्य हेतु 2.5 लाख रुपए, और ग्राम मिदियाना के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में एम कामरा मय बरामद हेतु 2 लाख रुपए, ग्राम बाजोली में आसुराम मेघवाल के घर में सेवादास के बगीचे के पास राजकीय उच्च प्राथमिक बालिका दिवस में फर्नीचर हेतु 50,000 रुपए। इसके साथ ही मुरवातिया ने संबंधित विभाग के अधिकारियों को निर्देशित कर गया जल्द ही निर्माण कार्य शुरू। यह स्वीकृति जारी होने से ग्रामीणों ने विधायक मुरवातिया का आभार व्यक्त किया है। फिलहाल मकराना बुलेटिन में इतना ही, और तमाम खबरों में बने रहने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।